सचिन पायलट की तरफ से आया बड़ा बयान, कहा शामिल नहीं हो रहा हूं भाजपा में। बुधवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रद्द। कांग्रेस ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी 19 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा। सोने के भाव में गिरावट, चांदी में आई बढ़त तो वहीं शेयर बाजार में भी आई बढ़त। सेंसेक्स में 300 अंकों की तेजी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,429 नए केस, 582 लोगों की मौत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व राम की नगरी अयोध्या को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा किए गए टिप्पणी से अयोध्या के संतों में आक्रोश भड़क उठा है, जिसको लेकर माफी मांगने की मांग की गई है, नहीं तो संत धार्मिक आंदोलन छेड़ेंगे। चंडीगढ़ में सख्ती, 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर लगी पाबंदी। धरना प्रदर्शन या रैली सिर्फ रैली ग्राउंड में, वह भी परमिशन के साथ। छोटे स्कूली छात्रों की 30 मिनट से अधिक की ऑनलाइन क्लास नहीं, मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। बंगाल में सुसाइड करने वाले बीजेपी एमएलए की पत्नी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया। बीजेपी नेता के सुसाइड नोट में जिन दो लोगों का जिक्र था, अब उनसे पूछताछ होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।